वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड, आज के वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ नेक मसाज। नेक मसाज का जो रिक्वेस्ट है मुझे काफ़ी टाइम पहले आया था, तो आज मुझे टाइम मिला है इसलिए मैं जो है इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तो इससे पहले ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ फ्रेंड, ये भी कहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड एक ही टॉपिक पर बार बार वीडियो बनाने के लिए ना कहें, क्योंकि ये जो है यूट्यूब में अलाउड नहीं है। तो आप मुझे नए नए टॉपिक देंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो बस फ्रेंड, चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिया है लोशन। आप कोई भी क्रीम ऑयल ले सकते हैं। तो यहाँ पे लोशन ले लिया है मैंने और अच्छे से हाथ में रफ कर लिया है। अब मैं इसे लगाने जा रही हूँ गर्दन में, ये देख सकते हैं आप। और गर्दन में लगाने के बाद जो है आपको जो है इसे अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए, इस तरीके से करना है आपको। देखिए फ्रेंड, दोनों हाथों का आप यूज़ करें इसमें, और ऊपर की साइड आपको यूज़ करना है स्टेप को। तो जो फेशियल के दौरान स्टेप यूज़ किए जाते हैं उसी स्टेप का मैं जो है इसमें नेक मसाज में यूज़ करूँगी। ये देखिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ। मैंने इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया है, मैंने इसे जल्दी जैसे कि हाथों पे ज़्यादा दबाव नहीं दिया, हल्के हाथों का ही यूज़ करके मैं इस तरीके से नेक मसाज कर रही हूँ। ये देखिए, आपको आराम आराम से करना है इसी तरीके से, दोनों हाथों का यूज़ करके सर्कल सर्कल जो है स्टेप यूज़ करने हैं। इस तरीके से आपको जो है ऊपर की ओर ले जाना है दोनों हाथों को, मुट्ठियों को इस तरीके से बांध करके सर्कल सर्कल करना है। ये देखिए, दो तीन स्टेप है जिसको आपको जो है फॉलो करके अच्छे से मसाज कर सकते हैं, और इसी स्टेप का यूज़ करके आप अपनी स्किन की मसाज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड किस तरीके से मैं कर रही हूँ। और विंटर के टाइम पे मैं तो कहूँगी आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करिए नेक मसाज के लिए। मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा गुनगुना करके जो है नेक की मसाज करिए। इससे क्या होता है कि यदि आपके बलगम वगैरह जमा होगा, या फिर आप भी जानते हैं कि विंटर के टाइम पे ज़्यादातर हमारे जो नेक है वो जम जाते हैं, तो वो सब जो है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस तरीके से आप स्टेप को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसान आसान से स्टेप है, ये ज़िगज़ैग स्टेप कहा जाता है इसको। तो इस तरीके से ज़िगज़ैग करते हुए आप गर्दन के बीच में इस स्टेप का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है। हमें हाथों का दबाव गर्दन पे ज़्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे गर्दन में दर्द होने का डर रहता है। तो हाथों का दबाव बिल्कुल हल्का रहना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा गर्दन में ना दे। आराम से जो है आराम आराम से सभी स्टेप को फॉलो करें। ये देखिए फ्रेंड किस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको दिख रहा होगा। तो बस फ्रेंड ये देखिए, बस फ्रेंड आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।